नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त विपक्ष की कई पार्टियों पर कई सारे घोटाले के मामले चल रहे हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम जोरों शोरों से कर रही है और यही कारण है कि अब जांच एजेंसियों के काम से विपक्ष को तकलीफ हो रही है। अब ईडी सीबीआई के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी उन्होंने लगाया। आखिर पूरा माजरा क्या है, कौन कौन से विपक्षी पार्टियां इस मामले में इन्वॉल्व है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 5 अप्रैल को सुनाई होगी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिद्वी ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम किसी लंबित मामले में दखल की मांग नहीं कर रहे, लेकिन गिरफ्तारी और बेल पर कोर्ट दिशा निर्देश तय करे। सिग्वी ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी यानी आप और उद्धव बाला साहब ठाकरे उन पार्टियों में शामिल है जिन्होंने इस याचिका को दायर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख किया। विपक्षी दल शीर्ष अदालत के केंद्रीय जांच एजेंसी और निचली अदालतों को गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत देने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देने के अनुरोध जो है कर रहे हैं। बता दें आपको 95% मामले में विपक्षी नेताओं के ये खिलाफ है। विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के खिलाफ मामलों को अक्सर बंद कर दिया जाता है या फिर जांच आगे नहीं बढ़ती है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है। सिग्वी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा निर्देश की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी पार्टी है जिन्होंने मिलकर यह याचिका दायर की है वो भी समझिए। पहली पार्टी जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी संयुक्त याचिका दायर करने वाले 14 पक्षों में से है। तो देश के 14 राजनीतिक दलों ने अब केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग आरोप लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइन बनाए। 14 पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। खास बात यह है इन 14 पॉलिटिकल पार्टी में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया है कि 2014 के बाद जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है तो उसके बाद से ही बड़े पैमाने पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है किया जा रहा है। जिन 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उसका हमने आपको बताया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवाद, कई सारी पार्टियां जो है इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था, नहीं विपक्षी पार्टियों ने पत्र जो है पीएम मोदी को लिखा था। बता दें कि इन सभी राजनीतिक दलों का ये कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कुछ दिन पहले ही विपक्ष के नेताओं ने लगातार गैर बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया था। विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी की साख खराब हो रही है। इस चिट्ठी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा गया था। पत्र में ये लिखा गया था कि विपक्ष के जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है, जबकि जो लोग जो है बीजेपी के साथ नहीं होते हैं या जो लोग विपक्ष में रहते हैं उनके साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके कार्रवाई कराई जाती है। एक और जो कंसर्न है, जिसे आप कह सकते हैं जिसके वजह से इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वो ये है कि आज के वक्त में अगर आप कच्चा चिट्ठा उठाकर देखेंगे, आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं,
तो यहाँ पर आप देखिए सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इस शराब घोटाले से मामला जुड़ा हुआ है। अब केसीआर की पार्टी, उनकी बेटी की भी नाम इसमें शामिल है, केकविता का नाम भी इसमें निकल कर सामने आ रहा है। फिर कांग्रेस की बात करें तो अभी राहुल गांधी को हाल फिलहाल में कोर्ट से जो है झटका लगा है। इनके खिलाफ भी कई मामले ऐसे लंबित चल रहे हैं जिसमें वो जमानत पर है। इसके बाद आप उद्धव ठाकरे वाले मामले में देखिए, वहाँ पर भी बैक टू बैक उन्हें झटके लग रहे हैं और उनके खिलाफ भी जो है कई सारे मामले ऐसे लंबित पड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से ज़्यादातर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, ज़्यादातर उनमें घोटाले के मामले चल रहे हैं। चाहे एमसीबी बोलिए, उनके भी अब देखिए दो बड़े मंत्री जो है, नेता जो है, वो जेल में है, चाहे पार्थ चटर्जी हो, अनुब्रत मंडल हो। तो ऐसे में विपक्ष के जो घोटाले उजागर हो रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी जो लगातार अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, यूं कहिए कि काम कर रही है, तो ऐसे में इनके इनका जो कंसर्न है ये बढ़ जा रहा है कि इस तरीके से तो विपक्ष बेनकाब हो जाएगा, इस तरीके से विपक्ष के घोटाले सामने आने लगेंगे, इस तरीके से छापेमारी होती रही तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। तो स्पष्ट तौर पर ये बात अब वो समझ पा रहे हैं और यही कारण है कि अब चाहते हैं कि इनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो काम है इसे रोक दिया जाए। बीजेपी के एक नेता ने यह बात कही भी थी, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी यह कहा था कि विपक्ष जो है वो चाहती है कि कोर्ट उनके लिए काम करे, कोर्ट विपक्ष की तरह काम करे, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ एक और बीजेपी नेता ने कहा था कि ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की पार्टियां चाहती है कि घोटाला करने के लिए भी उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाए, उन्हें पूरी छूट दे दी जाए, चूंकि वो राजनीति कर रहे हैं, चूंकि वो विपक्ष में बैठे हैं, चूंकि उनके पास पावर है, चूंकि उनके पास पैसे हैं, तो उन्हें घोटाले करने का भी जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र को कहते हैं खतरा है, भारत के लोकतंत्र को लेकर ये बात कहते हैं, विदेश में जाकर इसे लेकर कहकर आते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत के लोकतंत्र को नहीं, भारत के लोगों के पैसे, जो टैक्स पेयर है, उनके पैसे का दुरुपयोग ये विपक्ष की पार्टियां कर रही है। और इस तरीके से दुरुपयोग कर रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, इन पैसों का इस्तेमाल जो है इनके लिए किया जाना चाहिए, जनता के लिए किया जाना चाहिए, तो ये घोटाले में इन पैसे को खर्च किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब ईडी सीबीआई के खिलाफ ने जो छापेमारी चल रही है उससे इतने डर गए हैं, अपनी गिरफ्तारी से इतने डर गए हैं, अपने घोटाले उजागर होने से इतने ज्यादा डर गए हैं कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। और ये 14 विपक्षी पार्टियां हैं जिसके बाद उन्होंने सरकार पर एजेंसी के दुरुपयोग का इन्होंने आरोप लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को मामले की सुनवाई के लिए से रखा है। तो स्पष्ट तौर पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं, अपनी गिरफ्तारी से डरी हुई हैं, अपने घोटाले के एक्सपोज हो जाने से डरी हुई हैं, जिसके बाद वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यानी 5 अप्रैल को इस मामले में क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिससे कि हम आपको पूरी तरीके से अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विपक्षी पार्टियों के द्वारा खटखटाया गया था, ये कौन कौन से विपक्षी पार्टियां थी, कौन कौन से इसमें नेता इन्वॉल्व थे। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।